नमस्कार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म SSCM के बारे में जानेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस टॉपिक के अंत तक विद्यार्थी समझ सके कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने प्रकार के युगल इसमें उपयोग में लाए जाते हैं एवं इसकी कार्यप्रणाली क्या है। की कॉन्सेप्ट कवर इसमें किया गया है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म SSCM। लेट्स रीकैप। इन द प्रीवियस वीक श्री एमएम सांगानेरियन सर डिस्कस्ड अबाउट मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन का वर्गीकरण, शुद्ध गति की लिंक, शुद्ध गति की युगल, शुद्ध गति की जॉइंट चैन, काइनेमेटिक चैन, मैकेनिज्म या यंत्र विन्यास, इन्वर्सन या उत्क्रमणी। हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को समझने के लिए मेन वीडियो सोर्स यूआरएल को क्लिक करें या कॉपी पेस्ट करके न्यू टैब में भी खोल सकते हैं। इसका लाइसेंस जो है कॉमन क्रिएटिव के अंतर्गत स्काईलाइन ट्यूटोरियल से लिया गया है, जिसमें कि 1 मिनट 15 सेकंड के दौरान सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के पार्ट्स और वर्किंग समझाई गई है। इसकी कुल अवधि 1 मिनट 15 सेकंड है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं कि यह मैकेनिज्म काइनेमेटिक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक काइनेमेटिक चेन से मिलता है, जिसमें कि हम लिंक नंबर 1 फिक्स कर देते हैं, बाकी की 3 लिंक फ्री होती है तथा इसमें 4 पेयर, 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। अब हम इसके पार्ट्स देखें। सर्वप्रथम इसमें एक लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है, इसमें लिंक नंबर 1 फिक्स है जो कि यहाँ पर सिलेंडर और क्रैंक केस के नाम से जानी जाती है। लिंक नंबर 2 क्रैंक है जो कि यहाँ पर रोटेट होती है। लिंक नंबर 3 जो है वो हमारी कनेक्टिंग रॉड है जो कि ऑस्किलेट होती है, जबकि लिंक नंबर 4 हमारी पिस्टन है जो स्लाइड होता है सिलेंडर के अंदर। इस प्रकार इसमें 4 लिंक, फिक्स फ्रेम, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन होते हैं। इसके पेयर्स के बारे में हम बात करें तो पहला पेयर हमारा स्लाइडिंग पेयर है, पेयर ए, जिसमें कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है, जबकि पेयर बी हमारा गजन पिन के अराउंड टर्न होता है हमारा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड, जबकि पेयर 3 जो है पेयर सी टर्निंग पेयर है, जिसमें कि क्रैंक पिन होती है जो कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है। लिंक नंबर पेयर नंबर 4 डीप टर्निंग पेयर है, जिसमें कि हमारी क्रैंक केस बियरिंग होता है जो कि क्रैंक केस और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। इस प्रकार सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के पार्ट्स, लिंक्स और पेयर्स के बारे में आपने जाना। इसकी कार्यप्रणाली के लिए यहाँ पर क्रैंक रोटेट होती है, जिसके कारण पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, जबकि कनेक्टिंग रॉड का मोशन ऑस्किलेटिंग होता है। इसका उपयोग हम आईसी इंजन्स में हम देखते हैं, जहां पर कि पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करता है और क्रैंकशाफ्ट हमारी रोटेट होती है, या वाइस वर्सा हम देखें कंप्रेसर में, जहां पर कि हमारी क्रैंक रोटेट होती है और पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। इस प्रकार सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की वर्किंग में हमने देखा कि यह मोशन को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन, जबकि कनेक्टिंग रॉड हमारी ऑस्किलेट करती है। इसका उपयोग आईसी इंजन्स या फिर कंप्रेशर्स में किया जाता है। हम इसकी वर्किंग को अब और देखें और बेहतर तरीके से समझें। रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन आईसी इंजन है, इसमें आप देख रहे हैं कि जब हमारी क्रैंक ओ एक्स ए पोजीशन पर होती है, उससे हमारा पिस्टन जो है वो टीडीसी पर होता है। जैसे ही क्रैंक हमारी ओ ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओसी की ओर आती है, तो पिस्टन हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक लेता है और ये बॉटम डेड सेंटर पर आता है। इस दौरान इसका मूवमेंट जो होता है 1 स्ट्रोक के बराबर होता है। यहाँ पर जो स्ट्रोक लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस होती है। रिवर्स में जब हम देखेंगे इसमें, तो रिवर्स में हम पाएंगे कि जब हमारी क्रैंक ओ एक्स ओ सी से ओ ए की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, उस दौरान हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। यह हमारा
अपवर्ड स्ट्रोक कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रेन के रोटेशन को पिस्टन के रेस्पोंडिंग मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वर्जन्स ऑफ SSCM। थैंक यू।